प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने शाहीन बाग की बिगड़ती स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके लिए शासन प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था सभी जिम्मेवार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति भारत में नहीं आनी चाहिए, ये घटना देश के लिए बेहद ही खतरनाक है। प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने शाहीन बाग की बिगड़ती स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके लिए शासन प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था सभी जिम्मेवार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति भारत में नहीं आनी चाहिए थी, ये घटना देश के लिए बेहद खतरनाक है और उसके लिए बदनुमा दाग है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना के पीछे जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि भारत में सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन क्या किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी कि वह सार्वजनिक स्थान पर बैठकर लंबा धरना दे सके, जिसके लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और पुलिस सभी जिम्मेदार हैं। उन्होंने न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि न्यायालय का कार्य न्याय करना होता है, लेकिन भारत में पहली बार उनके द्वारा समझौता भी करवाया जा रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो रही थी तो इसकी जानकारी गुप्तचर विभाग और पुलिस को पहले होनी चाहिए थी। अगर आज किसी पार्षद को पकड़ा जा रहा है तो स्थिति बिगड़ने से पहले उसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं थी? जब उनसे शाहीन बाग घटनाक्रम में राजनेताओं के नाम आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि घटना के जिम्मेदार जो भी व्यक्ति और नेता हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति आने नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर ऐसी स्थिति आने दी गई। उन्होंने कहा कि शासन अनुशासन से चलता है, लेकिन शासन प्रशासन और न्यायतंत्र ने उन्हें लाइसेंस दे दिया है कि वे जहां मर्जी बैठकर धरना दे दें। यही वजह रही है कि इन तीनों द्वारा आंख मूंद तमाशा देखने के चलते ये स्थिति बद से बदतर हुई है। मुझे लगता है कि शाहीन बाग के मामले में पूरा देश विफल हो गया। सरकार चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, क्या किसी को भी इजाजत दे सकती है कि वो कहीं भी पब्लिक प्लेस में बैठकर लंबा धरना दे दे? एक बात, और सुप्रीम कोर्ट का मैं आदर करता हूं जुडिशी का, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जुडिशी का काम लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है या समझौते कराना है? अगर शाहीन बाग की तरह भारत के 100 जगह पर लोग धरना दे रहे बैठे जाएंगे तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहां समझौता कराने वाले भेजेंगे? मुझे बहुत दुख है इस बात का। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अधिकार है लोगों को अपनी बात कहने का, धरना दें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन जनता को परेशान करने का कोई कारण नहीं। इसमें सब विफल हो गए, सरकारें भी जुडिशी भी, मुझे दोनों से गिला। सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्भाग्य है कि इस देश में, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं जो ये सब को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पुलिस को, CID को पहले पता लगना चाहिए था। आज अगर किसी पार्षद को पकड़ा जा रहा है, पहले पता क्यों नहीं लगा? सर, कुछ नेताओं के भी नाम इसमें आए हैं और नेताओं के खिलाफ भी। हाँ, जब भी जो भी जिम्मेदार है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी, आने दी गई। ये स्थिति आने दी गई, प्रारंभ में इसको दबा दिया जाना चाहिए था। शासन अनुशासन से चलता है, एक प्रकार का शासन प्रशासन जुडिशी ने लाइसेंस दे दिया, तुम जहां चाहो बैठ जाओ, कोई आपको उठाएगा नहीं। हाँ, जरूरत होगी तो हम समझौता करने के लिए कुछ लोगों को आपके पास भेजेंगे, हाथ जोड़ेंगे आपके पास, उठ जाओ हम पर कृपा करो। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।